नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और आज मैं निकला हूँ एक ऐसे सफ़र में और एक ऐसे ट्रैक में जो कि उतना बड़ा भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है और हम इसको इजीली तरीके से कर भी सकते हैं। पर जो मौसम है वो ऐसा है और जो सीज़न है और मंथ जो है वो मार्च का है, सो पता नहीं कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। सो हम लोग निकले हैं करेरी लेक के लिए। पठानकोट से वाया शाहपुर होते हुए हम पहुँचेंगे करेरी विलेज एंड करेरी विलेज से हम लोग इस ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ट्रैक में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी और क्या क्या चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। और हाँ, एक चीज़ और, इस ट्रैक में हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमने किसी का हेल्प नहीं लिया है, सब कुछ हम अपने आप ही कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने अपना पूरा खाने का राशन, स्टोव, गैस और विदाउट गाइड हम इस ट्रैक को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। सो अगर जो लोग भी सोच रहे हैं कि अगर आपको सोलो या आपने किसी फ्रेंड के साथ ट्रैक करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको लिख के जाना है, तो लेट्स सी, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेट्स सी, पूरी वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I we got history, yeah. तो वेल दोस्तों, हम पहुंच गए हैं करेरी विलेज। पठानकोट से ड्राइव कर तो हार्डली हमको 3 से 3.5 घंटे लगे हैं करेरी विलेज पहुंचने में। और अभी देख सकते हो कि बारिश बहुत हो रही है। हम गाड़ी से सारा सामान निकाल के मैं और सोनू हम दोनों इस ट्रैक को अब आगे करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने ये ट्रैक शुरू किया है 4 बजे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट चले, गाड़ी मिलने में थोड़ा सा लेट हुआ, मौसम ऊपर के बाद हमारा सामान लेने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। सो 4 बजे हमने ये ट्रैक को शुरू किया है और जहाँ तक हो सकता है हम वहीं जा कर के आज हम वहीं रुकेंगे, एंड जो आगे का सफ़र होगा वो हम करेंगे कल से शुरू। सो सोनू जो है वो मेरा साथ दे रहा है इस ट्रैक में और हम चाहते हैं कि इस ट्रैक को हम सक्सेसफुली करें। अब जैसा कि देख सकते हो, हमें वैसे ट्रैक शुरू के हुए 1 घंटा ही हुआ है कि वह बहुत ज़्यादा स्नो हमें मिल रहा है इस ट्रैक में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। सो हार्डली 1.5 घंटे की ट्रैक के बाद हमें एक ऐसा टाइम और हमें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि हम आगे और नहीं जाएंगे, आज हम यहीं पे रुकेंगे। सो मैंने और सोनू ने मिल करके हमने ये डिसीजन लिया और सोचा कि आज हम रात को यहीं रुकते हैं और आगे का सफ़र हम कल से शुरू करेंगे। सो देखो हुआ क्या है कि अभी टाइम हो रहा है 5:30। सो हम नहीं चाहते कि और आगे जाकर के अंधेरे में पानी मिले ना मिले, सो हमने ये डिसाइड किया कि आज हम यहीं आसपास ही रुक जाते हैं समवेयर। इस जगह का कोई नाम नहीं है तो हमने यहीं पे टेंट लगाया है और यहीं से हम लोग आज रात को हम यहीं रुकेंगे और कल मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आगे का ट्रैक। सो हम लोगों ने टेंट अभी कुछ ही दूरी पर लगाया था ट्रैक जहाँ हमने स्टार्ट किया था, बिकॉज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। सो वी कांट क्लाइम टू मच अप। अब जब जैसा कि देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है कि इवन ट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो है।
सो मैं और सोनू अभी जा रहे हैं रात का डिनर बनाने के लिए, जो हमें पानी चाहिए उस चीज़ के लिए। सो देखते हैं हमें पानी कहाँ आसपास मिलता है, जैसे कि आवाज़ पानी की आ रही है, हमें उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे और वहाँ से हम पानी लेकर के आएंगे। इधर दिखाओ चिकन का। सो ये आज बटर चिकन, टोटली बटर नो ऑयल, तो हमने इसका नाम रख दिया बटर चिकन। Guys, now it's early morning, 6 a.m. Somewhere in the route of Trihund. Oh, sorry to forget, it's not Trihund, it's KARERI Lake. But हमें नहीं पता कि हमने टेंट कहाँ पे लगाया है. So रात को हमने यहाँ पे ही टेंट पिच कर दिया और ये सुबह का ब्रेकफास्ट सेवाइयाँ जो हमने अभी अभी बनाया है. और टेंट के अंदर सोनू हाथों को गर्म करते हुए, सामने पूरा स्नो. सो अर्ली मॉर्निंग हमने ट्रैक स्टार्ट किया था समवेयर रेवटी की तरफ, बिकॉज कल मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से. सो नाउ अभी हम निकले हैं यहाँ से आफ्टर ब्रेकफास्ट, और अभी बहुत ही ज़्यादा स्नो है रास्ते में, जो चलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है हमारे लिए. सो लाइन भी जैसे कि आप देख सकते हो पूरे उसमें इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है कि चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है. सो एक घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग एक जगह पर रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए, और अब जैसे देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्नो मिला है हमको रास्ते में, बहुत डिफ़िकल्टी हुई चलने में. मेरे जो शूज़ है वो प्रॉपरली ही गीले हो गए हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि वाटरप्रूफ शूज़ होने के बाद हम लोग गैटर्स लाना भूल गए. तो उस गैटर्स की वजह से क्या होता है कि जो स्नो है वो हमारे शूज़ के अंदर जा रहा है और सॉक्स पूरा गीला हो.
सो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्नो है और हम हार्डली 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुँचे हैं लोहे के पुल के पास। जी हाँ, इसके पास पहुँचने के बाद जो नज़ारा था, ऐसा नज़ारा मैंने लाइफ पे किसी ट्रैक में नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा स्नो और जो हम रेवटी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। रेवटी आने के पास ये आपका राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ से दर्शन देने के बाद हमको ये स्नो ही और हार्डली 200 मीटर जाना है जहाँ पे हम अपना कैंप का सेटअप करेंगे और आज का नाइट स्टे हम यहीं करने वाले हैं। शिट, ये देखो जी कहाँ घुस गया पैर। सो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं रेवटी और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो कहीं मिट्टी दिखाई ही नहीं दे रही। तो हमें जो अपना टेंट लगाना था, सो टेंट लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस बर्फ को बराबर करना था। सो हमने अपने बर्तन निकाले, उस बर्तन से बर्फ को हमने प्रॉपर से बराबर किया और बराबर करने के बाद उस जगह पर हमने पैरों से दबा दबा कर बर्फ़ को थोड़ा ठोस बनाया और वहाँ पे हमने अपना टेंट को पूरी तरीके से पिच किया। पिच करने के बाद सारा सामान हमने टेंट के अंदर डाला और जैसा कि आप देख सकते हो जो हमारी टेंट की लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बिल्कुल पानी के किनारे और अपोजिट एक शॉप और कुछ लोग और भी आए हुए वहाँ पे। तो हमने जो टेंट लगाया नदी के अब बिल्कुल अपोजिट लगाया है और ये जो आप व्यू देख सकते हो क्या ज़्यादा स्नो है, बहुत ही ज़्यादा स्नो। और अब मौसम आप देख ही सकते हो, बादल बिल्कुल नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। सो सबसे पहले हम वहाँ पहुँच करके हमने किया अपना लंच का इंतजाम और लंच में मैंने बनाया यहाँ पर मैगी। सो इसमें कुछ हमने गाजर डाला है और आपका कैप्सिकम, टमाटो और इसको बनाने के बाद हमने मैगी बनाया। मैगी बना के मैगी खाने के बाद थोड़ी देर हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, हमारे सॉक्स और जूते गीले हो चुके थे। तो उससे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया टेंट के अंदर ही एंड देन उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर गए। सो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है सोनू बाहर खड़े होकर के। एंड देन हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने पूरा थोड़ा सा सूट लिया। अब एक्चुअली क्या, हमारा प्रॉपर कैमरा तो था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो फ़ोन है फ़ोन से ही मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया अपने कैंप का। आप जैसा कि देख सकते हो बाहर की साइड कुछ लोग रुके हुए हैं, वो उनका टेंट कैंप प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। तो हमने भी अपना टेंट इधर ही लगाया है और थोड़ा यूनिक लोकेशन चूज़ किया है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। थैंक गॉड कि ऐसे मौसम में हम लोग यहाँ पे और ये व्यू हमको देखने को मिला। वाह क्या नज़ारे हैं, क्या हुआ है। तो सोनू आ रहा है सामने से और आप देखेंगे कि वो किस तरीके से ये रिवर को क्रॉस कर रहा है। और ये देखो 3, 2, 1 और ये गो। जी हाँ, अगर आपको ट्रैक करना है तो गिरना, डरना, लड़कना, फुदकना ये सब तो आम बात है। और ये देखिए आप, ये क्या है, जूते के अंदर पूरा, जब भी पूरा पॉलिथीन जूते का सेफ लेके, इतनी ज़्यादा ठंड है, पकड़ गया पूरा। सो फाइनली सोनू के गिरने के बाद अब हम बना रहे हैं डिनर।
सो डिनर का जो आज मेन्यू है वो है राइस एंड चिकन और साथ में बॉइल्ड एग। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो मेरा बाउल है उस बाउल पर मैं चिकन बना रहा हूँ और सामने का व्यू देखिए, बिल्कुल ये लाखों हजारों करोड़ रुपए देकर के भी आप शहरों में ये चीज़ नहीं पा सकते, जो व्यू अभी आपको ऐसा व्यू कहीं नहीं मिल सकता। वाओ व्हाट अ व्यू, और उसके साथ में चिकन। सो गाइज दिस इज आवर डिनर, एग चिकन राइस विद ओल्ड मॉन्क। यस, ये हमारा आज का डिनर है जो हम लोग डे टू में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस डिनर को विद द हेल्प ऑफ ओल्ड मॉन्क, बिकॉज यहाँ पे जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा, जो -2 degrees से भी कम है। सो लेट्स, हमने जो बनाया है बटर चिकन और उसके बाद एग एंड चिकन के साथ हमारा ओल्ड मॉन्क। सो आज हमारा सेकेंड नाइट है और हम रेवटी नाम की जगह पे हमने अपना कैंप लगाया हुआ है और रात को हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। सो बीइंग अ वाइल मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं करेरी की तरफ नहीं जा पाया। सोनू हमारे साथ तो नहीं, कुछ लोग और भी जा रहे थे तो उनके साथ सोनू होकर के आया। सो अब सोनू बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यस सोनू, एक्चुअली मेरी आज पूरी कोशिश थी करेरी लेक के लिए, करेरी लेक पहुंच सकूं मैं। ओके, बट कुछ ऐसे हमारे साथ सीन हुए, एवलांच आए। ओह माय गॉड, स्नोफॉल बहुत हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से कई दुकानें हैं जो 10-10 feet के नीचे हैं, 10-10 feet बर्फ के नीचे। यस, तो हमारे गाइड थे जो हमारे साथ चल रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि आगे जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, बहुत डेंजरस है, इसलिए हम वहीं से वापस आ गए। सो फ्रेंड्स, देखो ये मार्च का महीना है और इस मार्च के महीने के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे कि इससे पहले भी मार्च और फेब में आओ तो इतना स्नो यहाँ पर नहीं था। मतलब मार्च के सेकेंड वीक में इतना स्नो है कि हमें रेवटी तक पहुँचने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी, तो मेरा जो शूज़ है शूज़ के अंदर स्नो चला गया था, जिसकी वजह से वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। बट फिर भी हम बिना वाले रेवटी पर आए, कैंप लगाया एंड देन आज हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। सो कल का प्लान आई डोंट नो कैसा रहेगा, बट जो टेम्परेचर है वो -2 degrees है अभी और हम लोग अभी उस टेम्परेचर को कम करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ युधिष्ठिर और ये हमारा डे टू, अर्ली मॉर्निंग सनराइज और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्नो में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा। एज यू सी कुछ लोग वापस जा रहे हैं और जो टेंट्स है वो वाइंड अप हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग और भी आए थे, वो साथ के साथ वो लोग आज सुबह निकल भी गए हैं। सो अब जिस तरीके से देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो थी, एज वेल हमारे जो जूते हैं वो भी गीले हो गए थे, सो हमने अभी इसको धूप में डाला है ताकि वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए, सूख जाए और हम इजीली तरीके से वापस नीचे चले। सो सोनू अभी अंडे उबाल रहा है, सो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे एंड देन यहाँ से वापस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे वापस नीचे जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। ओवरऑल मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, अभी जो अर्ली मॉर्निंग हुआ है तो स्नो पे जो लाइट आ रही है उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा जो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। सो ये है पूरा ओवरऑल और ये सीधा जाता है आपका करेरी लेक की तरफ, जहाँ करके कल जाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी लेकिन नहीं पहुँच पाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्नो था और इस वजह से आदमी जब स्नो के अंदर घुसे तो पूरा का पूरा आदमी अंदर चले जाए, तो इसी वजह से कल हमने उस ट्रैक को कैंसिल किया, वापस आ गए हम लोग अपने बेस पर। तो सामने रिवर है जो हमने पानी पीने के लिए सी रिवर का पानी का इस्तेमाल किया। To take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go.
man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. And you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't play me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, eh. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. It's not it.